के खिलाफ हुए सेलेब्स या सुम्बुल और शालीन को सपोर्ट? जी हाँ, आखिरकार क्या है पूरी अपडेट हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि वीकेंड कवार पर सलमान खान जो है वो टीना दत्ता का साथ देते हुए नजर आए, तो वहीं उन्होंने शालीन और सुम्बुल की क्लास भी लगाई। वेल, अब इस पूरे मुद्दे पर सेलेब्स जो है वो कहीं ना कहीं शालीन का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, राजीव और देवोलीना जो है वो हुए हैं टीना के खिलाफ। वेल, राजीव ने ट्वीट करते हुए लिखा, I don't think Sumbul is obsessed. I think Tina is obsessed. That's why she is acting the way she is. Sumbul is genuinely showing her care for him. Tina shows it when she knows the camera is there. Shaleen is also wrong. He should have kept boundaries with both and he led it on. Tina and Shaleen are supposed to be mature adults or a brand in Tina's case. Sumbul has just crossed her teens. Don't manipulate her. As mature adults, sit her down and talk to her and explain. This will scar her, poor thing. She's too young to handle this. Really uneasy to watch. जी हाँ, तो वही देवोलीना जो है वो भी टीना के खिलाफ होती हुई नजर आई है। देवोलीना ने ट्वीट करते हुए लिखा, I don't remember a single episode where Sumbul taunting or bitching about Tina, but I sadly can't say the same for Tina. Since the first week she is after Sumbul, why? Because of Shah. अगर सुम्बुल का वन साइडेड है एंड शालीन को पता है he is not stopping, फिर तो if we trust Tina's word that she has zero feelings for Shah, फिर तो इधर भी वन साइडेड है, so Tina भी एडवांटेज ले रही है। नैरेटिव्स तो हजार बन सकते हैं। जस्ट बिकॉज सुम्बुल ब्रांड एंड फेस होने का दावा नहीं करती, दैट डजंट मीन शी डिजर्व्स दिस। बोला आपका क्या कहना है इस पूरी अपडेट को लेकर, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।